हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉक बाबा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा फुटबॉल के बेसिक्स पे। तो बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कई बार, स्पेशली जो हमारे नए फॉलोअर्स हैं गेम के, और बहुत सारे मेरे दोस्त मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ऑफसाइड रूल क्या होता है फुटबॉल में और प्लेयर अक्सर ऑफसाइड कब होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जो है ऑफसाइड रूल समझने में काफ़ी दिक्कत आती है और कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कब ऑफसाइड होता है, कब ऑफसाइड नहीं होता है और ऑफसाइड रूल एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, चलिए आज यही हम डिस्कस करते हैं कि ऑफसाइड रूल होता क्या है। तो एग्जांपल के तौर पे आज मैं आपके सामने एक फीफा का गेम आपको दिखाऊंगा और उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑफसाइड क्या होता है। तो होपफुली आपको समझ आए कि ऑफसाइड रूल क्या है। तो ये एक रियल मैड्रिड वर्सेज चेल्सी का एक मैंने मैच चलाया है इसमें, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ऑफसाइड रूल में होता क्या एग्जैक्टली। तो दोस्तों, ऑफसाइड रूल में ये होता है कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये वाइट कलर की जो टीम है रियल मैड्रिड, इनकी डिफेंस में एक लाइन है। आप देख सकते हैं जैसे चार डिफेंडर पीछे हैं और मैं बॉल लेके इनके गोल की तरफ अटैक कर रहा हूँ। अब जो सेकंड लास्ट डिफेंडर होगा दोस्तों, मतलब आप गोल कीपर को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मारेंगे, तो जो सेकंड लास्ट बंदा होगा गोल के आगे वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानी जाती है दोस्तों। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं चार नंबर सर्जियो रामोस गोल कीपर के जस्ट आगे हैं, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाएंगे। तो जैसा इस केस में आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं टीमो वर्नर से बॉल लेके भाग रहा हूं, अब काय हैवर्ट्स एक रन बनाएंगे और ये दोस्तों ऑफसाइड हो जाएगा। अब आप पूछेंगे क्यों, तो चलिए दोस्तों रिप्ले में देखते हैं कि ऑफसाइड क्यों है। ये आप देख सकते हैं कि जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है दोस्तों, ये देखिए जैसे ये वरान है, ये जो है ये सेकंड लास्ट डिफेंडर है गोल के बाद, जो है ये सेकंड लास्ट बंदा है गोल के सामने। तो बॉल रिलीज करने से पहले अगर मेरा अटैकर उस बंदे के पीछे होगा तो ये ऑफसाइड कहलाएगा दोस्तों। फिर से मैं आपको बताता हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, जॉर्जिनियो के पास बॉल है और उन्होंने यहाँ टीमो वर्नर को बॉल जो है पास करा है। अब वर्नर गोल की तरफ भाग रहे हैं और काय हैवर्ट्स जो आप देख सकते हैं ये 29 नंबर, ये दोनों डिफेंडर्स के बीच में से रन बनाएंगे अभी। अब मैं इसको यहाँ पॉज करूंगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि सर्जियो रामोस के जस्ट पीछे वरान खड़े हैं लाइन में, आप जैसा देख सकते हैं। अगर ये बॉल अभी रिलीज हो जाए, क्योंकि मुझे अभी आपको बताना है कि ऑफसाइड क्या है, तो मैंने डेलिबरेटली बॉल लेट रिलीज किया है। तो दोस्तों, अभी अगर ये बॉल रिलीज हो जाता है और काय हैवर्ट्स इस बॉल को पकड़ लेते हैं तो ये दोस्तों ऑफसाइड नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए होता क्या है एक्चुअली। तो काय हैवर्ट्स दोस्तों रन बनाते हैं और जैसा अब आप देख सकते हैं दोस्तों, काय हैवर्ट्स जो हैं वो रफाइल वरान के आगे आ गए हैं। तो अभी इसको बोला जाता है कि काय हैवर्ट्स इज इन ऑफसाइड पोजीशन, अभी वो ऑफसाइड पोजीशन में। तो जैसे ही टीमो वर्नर बॉल रिलीज करेंगे, अभी काय हैवर्ट्स उसको बिल्कुल इस मोमेंट पे, जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मोमेंट, तो ये यहां पे बॉल रिलीज हुआ है और काय हैवर्ट्स ऑफसाइड पोजीशन में खड़े हैं। तो दोस्तों, इसीलिए गोल काउंट नहीं हुआ और ये ऑफसाइड पोजीशन कहलाई गई और दोस्तों इसे कहते हैं ऑफसाइड। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जैसे अगर आप बॉल को लेकर अटैक कर रहे हैं ऑपोजिशन के गोल की तरफ और जो आपका अटैकर है जिसको इवेंचुअली बॉल मिलेगा डिफेंस की लाइन के थ्रू, और वो सेकंड लास्ट बंदे से, जरूरी नहीं है कि गोलकीपर लास्ट बंदा हो, हमेशा हो सकता है कि टीम अटैक कर रही हो लास्ट स्टेजेस में तो गोलकीपर आगे भी हो सकता है, जो भी सेकंड लास्ट बंदा होगा। मान लीजिए अगर गोल में गोलकीपर नहीं है इस केस में, तो सर्जियो रामोस जो अभी खड़े हैं वरान के आगे वो सेकंड लास्ट बंदे हो जाएंगे। तो सेकंड लास्ट बंदा जो होगा वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाया जाता है, उसके आगे बॉल रिलीज करते समय अगर अटैकर है तो वो दोस्तों ऑफसाइड कहलाया जाए। जैसा इस केस में आप देख सकते हैं कि काय हैवर्ट्स अभी ऑफसाइड पोजीशन में आ गए हैं और टीमो वर्नर अब इनको बॉल रिलीज करेंगे, तो ये ऑफसाइड है दोस्तों। अगर ये बॉल पहले रिलीज हो जाती जब काय हैवर्ट्स ने वरान को क्रॉस नहीं किया होता, फॉर एग्जांपल इस मोमेंट पे करीब अगर बॉल रिलीज होती तो ये ऑफसाइड नहीं कहलाता। तो दोस्तों, ये होता है बेसिक ऑफसाइड रूल। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि ऑफसाइड कब नहीं होगा। अब ये टीमो वर्नर रन बनाया और काय हैवर्ट्स ने शानदार इनको पास दिया और ये टीमो वर्नर फिनिश कर देंगे। तो इस केस में दोस्तों टीमो वर्नर ऑफसाइड क्यों नहीं हुए है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पे काय हैवर्ट्स ने जब बॉल रिलीज किया है तो टीमो वर्नर जो लास्ट डिफेंडर है रियल मैड्रिड का, उनसे पहले ही उन्होंने बॉल जो है रिसीव कर ली और बॉल रिलीज भी तभी हुई है जब टीमो वर्नर उस लाइन में थे लास्ट डिफेंडर की। तो ये इसलिए दोस्तों ऑफसाइड नहीं कहलाया जाएगा। तो आई होप
कि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी अभी कि ऑफसाइड क्या होता है। इसके दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑफसाइड रूल के, मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2-on-1 सिचुएशन था, तो अभी लास्ट लाइन को दोनों ही प्लेयर्स ने बीट कर दिया। अब दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक 2-on-1 सिचुएशन है, दोनों प्लेयर्स ने ही लास्ट लाइन को बीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि डिफेंडर्स के आगे हैं दोनों प्लेयर्स, ठीक है। तो इस केस में कांटे नॉर्मल पास दे देंगे टीमो वर्नर को, तो ये दोस्तों ऑन साइड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ उल्टी होती दोस्तों, अगर कांटे के आगे होते टीमो वर्नर इस समय पास देने के लिए, तो भी ये ऑफ साइड हो जाता। जैसा आप देखेंगे अभी ये पास दिया है नॉर्मल और ये गोल मार दिया टीमो वर्नर ने, तो ये दोस्तों ऑन साइड कहलाया जाएगा। लेकिन अगर केस उल्टा होता, अगर ये जैसे आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में दोनों ही अटैकर्स डिफेंस की लाइन के आगे हैं, बीट कर चुके हैं, लेकिन उल्टी सिचुएशन होती, अभी ये पोजीशन आप देखिए कांटे आगे हैं वर्नर से, तो अगर वर्नर कांटे को पास दे रहे होते इस पोजीशन में, तो कांटे ऑफ साइड होते, तो अटैकर भी जो है वो अपने साथी से आगे नहीं हो सकता। तो अभी जैसे ये कांटे ने बॉल रिलीज की, तो अगर इस मोमेंट पे कांटे से आगे खड़े होते टीमो वर्नर, तो वो ऑफसाइड होते। टीमो वर्नर के पास बॉल है और काय हैवर्ट्स यहां पे रन बना रहे हैं सर्जियो रामोस के पीछे से, और वरान जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और बिल्कुल बिल्कुल इस मोमेंट पे जब बॉल रिलीज हुई है, तो आराम से मतलब इन्होंने ऑफसाइड ट्रैप जो है उसको बीट किया है और अच्छी पोजीशन में ये पहुंच गए हैं, और बॉल भी रिसीव करी है इन्होंने आराम से और फिनिश किया है दोस्तों। तो ये जो है ये ऑन साइड है, काफ़ी अच्छे मार्जिन से ऑन साइड है। अगर यही बॉल टीमो वर्नर ने दोस्तों टीमो वर्नर ने रिलीज की होती, अगर काय हैवर्ट्स वरान के पीछे होते, तो ये दोस्तों ऑफ साइड हो जाता। अब दोस्तों समझ लीजिए एक टीम अटैक कर रही है, जैसे इस केस में चेल्सी अटैक कर रही है, और रियल मैड्रिड के सारे डिफेंडर्स हाफ लाइन के आगे आ जाते हैं, तो दोस्तों अगर उस केस में जो अटैकिंग टीम का बंदा है वो लास्ट बंदे से आगे खड़ा है लेकिन अपने हाफ में ही है, तो भी ऑफसाइड नहीं होगा। इसका एग्जांपल है जो 2012 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सेकंड लेग में चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना में फर्नांडो टोरेस ने गोल मारा था, वो इस चीज़ का एग्जांपल है। ऑल दो वो आगे खड़े थे लास्ट डिफेंडर से, बट क्योंकि वो अपनी हाफ में थे इसलिए दोस्तों वो ऑफसाइड नहीं हुआ। थ्रो इन में भी दोस्तों ऑफसाइड नहीं होता है, अगर थ्रो इन लेते हुए आप लास्ट डिफेंडर के पीछे हैं तब भी ऑफसाइड नहीं माना जाएगा। कॉर्नर किक में भी दोस्तों ऑफसाइड नहीं होता है, क्योंकि आप बिल्कुल गोल लाइन से कॉर्नर लेते हैं तो आप आगे रह सकते हैं डिफेंडर के, और गोल किक में भी दोस्तों ऑफसाइड नहीं होता है। तो ये कुछ केसेस हैं जब आप डिफेंडर लास्ट डिफेंडर के पीछे रह सकते हैं और आपको जो है वो ऑफसाइड नहीं दिया जाएगा, आप वो रूल मतलब अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक आपको मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जिसमें रेफरी ने सही डिसीजन दिया है, बट कमेंटेटर जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ऑफसाइड नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ये ऑफसाइड। तो चलिए ये वीडियो एक बार देखते हैं। Relief for South Africa. He's onside. There's a South African defender right on the goal line, surely. Vela can't be offside. See that again. Touch at the near post. How can he be offside? There's a defender on the line. Couldn't have given it for handball. Comes clearly off the chest of Vela. What an awful decision. They can't believe it. They should be 1-0 ahead. ये कह रहे हैं क्योंकि जो लास्ट डिफेंडर है वो गोल लाइन पे है, जैसा आप देख सकते हैं गोल लाइन पे डिफेंडर है, और ये उनको लगा कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही नहीं हो सकता, बट जैसा आप देख सकते हैं रिप्ले में कि गोलकीपर जो है वो सेकंड लास्ट बंदा है, तो सेकंड लास्ट बंदा बिकम्स द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इस वजह से ये दोस्तों ऑफसाइड है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी आई होगी आज कि ऑफसाइड रूल क्या होता है,
और कैसे ये काम करता है. आई नो थोड़े डाउट्स अभी भी होंगे, तो फील फ्री टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, और मैंने अगर कुछ मिस किया हो या कुछ गलत बताया तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा. चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिए. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ फैमिलीज, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.